बंगाल में कैश कांड पर घमासान मचा हुआ है। कल ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को एसएससी भर्ती घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया। खबरें आई कि पार्थ चटर्जी को ममता सरकार से हटाया जा सकता है, लेकिन टीएमसी ने इसे बीजेपी की साजिश बताकर खारिज कर दिया। अब इस मामले में मुद्दा फिर केंद्र वर्सेस ममता सरकार का होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्थ चटर्जी के पहले दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन केजरीवाल ने उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया। फिर महाराष्ट्र में अब भले ही एनसीपी शिवसेना की सरकार नहीं है, लेकिन जब उनके मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हुए तो उन्हें मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। आखिर गिरफ्तार मंत्रियों पर सरकारें मेहरबान क्यों हैं? सवाल यही जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जिन मंत्रियों पर आरोप लगते हैं, जिनके खिलाफ जांच बैठाई जाती है, जो जांच के दायरे में आ जाते हैं, उन्हें मंत्री पद से हटाने को लेकर आखिर क्यों नहीं सोचती सरकारें और उन पर मेहरबान क्यों बनी रहती हैं? बीजेपी कई आरोप लगा रही है और बीजेपी के आरोपों की टीएमसी की तरफ से जवाब भी आया है। टीएमसी के प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, जिन्होंने कहा है कि जो धनराशि बरामद हुई है तृणमूल कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर कोर्ट में पार्थ चटर्जी पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो तृणमूल कांग्रेस जरूर कार्रवाई करेगी। She is not a Trinamool Congress person. The amount has been recovered by ED. We have no connection with that amount of rupees, and we want a time-bound investigation because we have seen CBI and ED investigations in different cases. Taking too long. And the advantage goes to the oppositions. They are making a distorted campaign against us. So we demand a time bound, maybe in 1 month or 2 months, a time bound inquiry on this particular subject and regarding Partho Chattopadhyay. If we have made it very clear that Trinamool Congress will not support anything wrong if the investigating agency submits any kind of proof to the court and the court acknowledges that facts, then Trinamool Congress will not take a further second to announce next step against that heavyweight leader. तो कल जब बैठक हो रही थी टीएमसी की अभिषेक बनर्जी के घर पर, तो ऐसा लग रहा था कि कोई फैसला लिया जा सकता है, पार्थ चटर्जी को हटाया भी जा सकता है, लेकिन इन तमाम बातों को खारिज करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसी पर हम अब चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे मंत्रियों को हटाने से बचती क्यों हैं सरकारें। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले मैं आपका परिचय उनसे करा दूं। एनसीपी की प्रवक्ता सीमा मलिक हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे को आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, साथ ही मेरे राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ हैं, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मानव जायसवाल हैं प्रवक्ता टीएमसी, और बीजेपी से गुरुप्रकाश पासवान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। हमारे सभी खास मेहमान बने हुए हैं क्योंकि ये सवाल बड़ा हो जाता है, तो इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।